हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मस्ती कुन का जादू अगेन। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। सो गाइस, आज मैं ऐसी मूवी देखने जा रही हूँ जिसका जमकर सोशल मीडिया पर ना बाइकॉट हो रहा है। ना सिर्फ आम पब्लिक बल्कि नेता, राजनेता सभी ट्विटर पर जमकर बाइकॉट कर रहे हैं। तो मैं देखना चाहती हूँ जिस प्रकार से शाहरुख की मूवी पठान का जो बाइकॉट किया जा रहा है, और कह रहे हैं उनके फैंस कि टिकट जो है फुल है, ऑनलाइन ही फुल हो चुकी है पहले से ही। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कल रात को मैं गई थी, टिकट लेने के लिए, कि जिस प्रकार से हवा मचा रखा था कि टिकट नहीं मिलेगी, टिकट नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि ना टिकट जो है मुझे इजीली मिल गया। और वहां पर जाकर मैंने देखा, मैं पानीपत की बात कर रही हूँ, तो मैंने जाकर देखा पीवीआर में जब टिकट, तो वहां पर सारा टिकट ना खाली था। तो मैंने कहा भैया रात को मैं क्यों परेशान हुई, कल सुबह सुबह ले लेती जब मुझे सुबह मूवी देखनी है। तो गाइज, आज 25 जनवरी, पहला शो, पहला दिन पठान मूवी का। आप सभी को जो है मैं फुल रिव्यू जो है इस फिल्म का मैं करने वाली हूँ कि पीवीआर में जो है भीड़ हैवी की नहीं है। जिस प्रकार से शाहरुख की फिल्म को इस प्रकार से पूरा सपोर्ट किया जा रहा है, और कई लोग जो है बाइकॉट कर रहे हैं भगवा रंग के कलर को लेकर। तो मैं आपको बता दूं, काफी ज्यादा जो है मैं जानना चाहती हूँ कि वहां पर जाकर हाउसफुल है इस मूवी को लेकर के नहीं। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको लाइव ही दिखाती हूँ, और आज के व्लॉग में जो है काफी कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो, क्योंकि इस मूवी की जो टिकट है बहुत 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 ज्यादा महंगी है। तो मैं बहुत महंगी टिकट लेकर आई हूँ, पहली बार इतना तो द कश्मीर फाइल की भी टिकट की जो पैसे थे, ये इतना ज्यादा रेट नहीं था जितना इसका रेट है। तो द कश्मीर फाइल में तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले वाले व्लॉग में, द कश्मीर फाइल मूवी वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था लाइव। तो आज पठान मूवी देखने वाले हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के टीवी। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ पीवीआर, और अभी हम अंदर जाने वाले हैं। तो बाहर की साइड तो कोई भीड़ है नहीं इतनी, अंदर चल के देखते हैं अब कितनी ताबड़तोड़ फैन खड़े हैं पठान के लिए। तो ये जीटी रोड के पास है पीवीआर, पानीपत हरियाणा के अंदर। तो अक्सर मैं यहीं आती हूँ मूवी देखने, कोई भी लास्ट मैंने देखा था कश्मीर फाइल, और अब चलते हैं पठान देखने के लिए। तो भाई मैंने अंदर एंट्री ले लिया है, और सामने ही पठान का जो पोस्टर है वो लगा हुआ है। तो अभी हम लिफ्ट से ऊपर जाने वाले हैं। सो गाइस, ये है पठान का पोस्टर पीछे टंगा हुआ है। और मुझे आज के दिन बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन सी लग रही है, लेकिन फिर भी मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए आई हूँ, ताकि मैं आप सभी को जो है इसका रिव्यू कर सकूँ, उसके बारे में बता सकूँ, और आपके पैसे वेस्ट ना हो। तो नीचे मुझे कोई भीड़ नहीं लग रही, अभी ऊपर चल के देखते हैं। तो गाइस, मैं लिफ्ट में आ चुकी हूँ, और अभी हम जाएंगे ऊपर। तो गाइस फाइनली पहुँच गए हैं पीवीआर में, और तो अभी हम अंदर जाने वाले हैं। सो गाइज़, अंदर मैंने एंट्री ले ली है इस वक्त, और यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग जो होती है हर जगह ऑफ कोर्स होनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, तो वो हो रही थी। और एंट्री करते ही आप देख सकते हो पीवीआर पठान लिखा हुआ है। तो 1 बजे का शो था, और अंदर एंट्री करते ही पीवीआर में जो मैंने देखा, बस मैं क्या बताऊँ, शॉक लगा मुझे तो, क्योंकि सारा का सारा पीवीआर जो है ना खाली पड़ा है। भैया देखिए, ये गिने चुने वांस है, और अभी जो है मूवी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी अंदर एंट्री भी नहीं हुई है। तो तीन अंदर थिएटर हैं, तो तीन तीन जो है ना अंदर, तीनों के तीनों खाली दिख रहे थे, और तीनों में पठान भरी हुई थी। अभी तीनों में ही पठान चल, किसी में 1 बजे का शो है, किसी में 2 बजे का, किसी में 3 बजे का, हर घंटे के साथ शो है। तो भाई पानीपत हरियाणा के अंदर तो कोई भीड़ भाड़ नहीं, जबकि फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाली बात है, और उसके बावजूद भी देखो किसी भी उसमें जो है कोई भीड़ नहीं है। आप देख सकते हो, लाइव दिखा रही हूँ मैं आपको। तो बायकॉट जमकर हो रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है बायकॉट पठान मूवी। अब विदेशों से पैसे कमा ले, दुबई से पैसे कमा ले शाहरुख खान जी, वो अलग बात है, लेकिन अब वक्त जा चुका है शाहरुख जी का, नए लोगों को जो है मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से। और कार्तिक आर्यन की भी फिल्म आने वाली है, लेकिन उससे पहले जो है अब
शाहरुख की जो ये फिल्म आई है पठान, उसके लिए क्रेज जो दिखाया गया है सोशल मीडिया पर टोटली फेक है मेरी नज़रों में, क्योंकि मैं खुद देखना चाहती थी वो क्रेज़, वो दीवानगी जो हमेशा देखने को मिलती थी शाहरुख की फिल्म को, लेकिन अब जो है पठान मूवी के लिए तो मुझे कहीं नहीं दिख रही है भाई। गिने चुने मेरी नज़रों में तो अभी जो मैं बाहर खड़ी हूँ 10-12 लोग ही होंगे। और आपको एक और बात बताना चाहूँगी, सोशल मीडिया पर मैंने ये भी देखा कि पठान की इतनी ज़्यादा मतलब कि 20 तारीख से लेकर 25 के बीच में सारी टिकटें बिक गई हैं, थिएटर हाउसफुल है, मूवी हॉल हाउसफुल है, इस तरह से दिखाया जा रहा है जैसे कि बस यही एक मूवी है। अब कहीं ना कहीं राजनीतिक खेल है या जो भी है भैया, वो तो देखो आप सब जानते ही हो इस फिल्म को लेकर, तो हिंदू मुस्लिम हो या जो हो भाई, हम तो आए हैं देखने के लिए और हमने सोचा आपसे भी लाइव व्लॉग जो है शेयर करें ताकि आप लोग भी देख सकें। सो गाइस, अंदर मैंने एंट्री ले ली है और मैं ऊपर जा रही हूँ। मैंने मेरे को आराम से जो है ना सबसे ऊपर की सीट VIP सीट जो है आराम से अवेलेबल हो गई थी, रात को ही टिकट लेने आ गई थी मैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो देखो अंदर बिल्कुल खाली है, देखो अभी मूवी शुरू नहीं हुई है वैसे, लेकिन 5 मिनट ही पेंडिंग है मूवी शुरू होने में, लेकिन लोग आगे बैठना तो शुरू करते हैं कम से कम अगर इतना ज़्यादा क्रेज़ हो तो। देखो अभी गिने चुने मुश्किल से मुश्किल ना 30-31 लोग हैं पूरे के पूरे थिएटर में, और पूरी सीट भैया खाली है, आगे की तो सारी ही सीट खाली है, क्या ही बताएं। तो मैं ऊपर की साइड जा रही हूँ गाइस, VIP सीट लिया था मैंने ताकि मेरे ना सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोगों को भी ये एडवाइस करूँगा अगर आपको भी सर्वाइकल या कंधे में पीठ में कमर में दर्द रहती है तो ऊपर की VIP सीट ही लिया करें, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लग जाते हैं, लेकिन VIP सीट में क्या रहता है सर्वाइकल प्रॉब्लम, कंधे का दर्द वो सब ठीक रहता है, मेरा सारा दिन लैपटॉप का काम रहता है तो वैसे ही मुझे कंधे में पेन रहता है, शोल्डर पेन रहता है, तो इसलिए मैं हमेशा ऊपर की सीट ही लेती हूँ। तो रही बात थिएटर की, तो देख लो भैया सारा खाली है हमारी तरफ से, तो हमने आपको दिखाया है, अभी मूवी शुरू होने वाली है, फिर मैं आपको आगे की भी बताने वाली हूँ क्या कुछ है फिल्म के अंदर। तो ये देखो ऊपर की सारी VIP सीट्स खाली हैं। मैं जब कश्मीर फाइल देखने आई थी ना गाइस, मैं क्या बताऊँ, इतनी भीड़ थी पैर रखने की जगह नहीं थी, और टिकट भी नहीं मिल रही थी द कश्मीर फाइल की। सच्चाई बेस्ड वो फिल्म थी और लोगों ने सपोर्ट भी किया था, पब्लिक को पता है कि उन्हें क्या चाहिए और क्या सच है क्या झूठ है क्या सही है क्या गलत है, अब पब्लिक समझ चुकी है, सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें आ जाती है, झूठ भी आती है सच भी आती है, लेकिन पब्लिक इतनी समझदार है किसको उठाना है किसको गिराना है पब्लिक को सब पता है भैया। तो जिस प्रकार से किंग खान बनाया है शाहरुख खान को, मन्नत बनवा दिया है, उसी प्रकार से नीचे भी गिरा सकते हैं फैंस। तो मैं आपको बताना चाहूँगी इंटरवल हो चुका है, क्या कुछ आया इंटरवल में बताऊँगी आपको, लेकिन उससे पहले देखो मैंने पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक ले लिया, मेरे को जुकाम है लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न ले लिया, साथ में टिक्की, जो कि ये टिक्की जो है ना PVR के अंदर ही मिलती है, भेलपुरी टिक्की जो है ना अंदर ही मिलती है, बाहर कहीं पूरे पानीपत में इस तरह की टिक्की नहीं मिलती। तो कभी कभी क्या है कुछ लालच जो था ना मेरा पठान देखने का, उस इस टिक्की का भी था, मतलब कि स्पेशल मुझे टिक्की खानी थी और मैंने कहा चलो पठान भी देख लूँगी और आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर कर लूँगी, वीडियो भी शेयर कर लूँगी। तो मेरे से पूछो तो 60% मुझे टिक्की खाने का लालच था, जो कि PVR के अंदर ही मिलता है, ये टिक्की कहीं पूरे पानीपत में नहीं मिलता है इस तरह का, और 40% मुझे पठान देखना था ताकि मैं आप लोगों से जो है शेयर कर सकूँ अच्छे से सब कुछ। सो गाइज, मैं आपको टिकट के रेट बता दूँ, सुनकर शौक हो जाओगे आप। सबसे ऊपर वाली सीट जो थी R10 और R11 प्राइम प्लस वाली सीट, जो कि मैंने आपको बताया VIP सीट होती है, वो 720 रुपये की 2 टिकट थी, यानी कि 360 रुपये की 1 टिकट, इतनी महंगी तो भैया उसकी कश्मीर फाइल की भी नहीं थी। तो ये खाने वाने का तो छोड़ ही दो, यहाँ महंगा तो मिलता ही है। तो इंटरवल हो चुका है गाइस और भीड़ आप ये देखो, अब इंटरवल होते ही ना मैंने कैमरा ऑन किया और सॉरी, तो और देख लो भीड़ भी कितने हैं, 10-12 लोग हैं, बीच में ही चले गए कहीं तो। सो गाइस, मूवी हो गई है ख़त्म और मूवी देख के बस क्या ही बताऊँ, मतलब भीड़ तो इतनी थी नहीं, खाली था पूरा का पूरा थिएटर। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने आई, इसलिए मैं स्पेशल मैंने कहा देखते हैं कितना क्रेज़ है फैंस में, बट
मैं अपनी बताऊँ तो मुझे मूवी तो ठीक लगी, बोरिंग नहीं था, पैसा वसूल मूवी कह सकते हैं, लेकिन बायकॉट हो रहा है तो अब क्या कह सकते हैं, बायकॉट का पूरा समर्थन किया जा रहा है और लोग नहीं आए हैं देखने के लिए, वैसे तो भीड़ बहुत कम है, बहुत मतलब यूँ कह सकते हैं आधा का आधा थिएटर ना खाली था। और अब कल 26 जनवरी है तो कल देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि कल फैंस आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन आज की बात करें तो आज जो है थिएटर आधा का आधा खाली, आधा से भी ना मतलब ज़्यादा खाली था थिएटर, तो मैंने अंदर का तो सारा सब कुछ आपको बताया ही है। तो अगर आपका मन करता तो आप मूवी देखूँ, और मैं PVR सिनेमा में आई थी और मुझे सारा PVR सिनेमा जो है मतलब 70% खाली दिखा, और बाकी तो क्या ही कह सकते हैं, मुझे तो लगता फ्लॉप ही जाएगी मूवी पठान मूवी। आपकी क्या राय इसे लेकर जरूर कमेंट कीजिएगा, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फाइनली मैं घर आ गई हूँ, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, पूरी फिल्म जो है ना, पूरी फिल्म में फाइट 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 और बस फाइट, और भी एफर्ट्स डाल सकते थे, रोमांस डाल सकते थे, और भी चीज़ें डाल सकते थे, बट पूरी फिल्म में जो है फाइट है और बस फाइट है, बस यही देखने को मिलेगा, कान के छतरे फट जाएंगे, जिनको आवाज़ से प्रॉब्लम है वो तो बिल्कुल भी ना जाए। मैं तो बस फिर भी आपका दिल करता है जाकर देखने का पठान तो ऑफकोर्स जाएं, मैं तो आप सभी की वजह से गई थी और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ जो है फिल्म का रिव्यू करूं, और ताकि आप लोगों को पता चल सके फिल्म किस तरह की। तो मैं आपको कहूँगी पूरी की पूरी फिल्म में सिर्फ और सिर्फ फाइट है, अगर फाइट आपको देखनी है तो आप जा सकते हो। वैसे दीपिका पादुकोण का जो एक्टिंग था फाइट का वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो स्ट्रांग लगी और जच रही थी दीपिका पादुकोण, और शाहरुख की एक्टिंग भी बस जो हमेशा देखते आ रहे हैं वही देख रहे हैं, वही था इसमें मतलब। और जॉन अब्राहम वो तो फाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हमेशा हर फिल्म के अंदर फाइट करते हैं, तो रोमांस नाम नहीं है इसमें मतलब फिल्म के अंदर, सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि फाइट फाइट फाइट, तो उसी तरह से फिल्म में बार बार यही चीज़ रिपीट हो रही है। तो आपका मन करता है तो आप जाएं, और पठान थोड़ा सा झलक जो है सलमान का भी है इस फिल्म के अंदर, और वो भी फाइट से जुड़ा हुआ है, तो सलमान भी इस फिल्म के अंदर जो है दिख रहे हैं। और गाइस सलमान की एंट्री के साथ जो है उनका किसी के भाई किसी की जान जो कि ईद पर आ रही है, और उसका भी ट्रेलर जो है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया वो भी रिलीज़ किया गया था, ट्रेलर मतलब दिखाया गया था, और फाइट देखनी है तो ज़रूर जाएँ पठान मूवी देखने के लिए। लेकिन इसे लेकर जो भी आपके विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू।